हेलो फ्रेंड, इन टुडेज लेक्चर वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल विच में अपियर इन एग्जाम फॉर 12 टू 15 मार्क्स विच इज़ ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये जो मैं आज न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ, ये बहुत से न्यूमेरिकल इसमें से 12 से 15 मार्क के लिए आ गए। मतलब एक ही न्यूमेरिकल लगा 12 मार्क का या 14 मार्क का। ओके, सो आई रीड फर्स्ट न्यूमेरिकल। अ रिवर्सिबल हीट इंजिन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर operates between two reservoir at temperature ranges 700 degree Celsius and 15 degree Celsius. The engine drives a reversible refrigerator which operates between reservoir at temperature 50 degree Celsius and minus 25 degree Celsius. The heat transfer to the engine is 2500 kilojoule and the net work output of the combined engine refrigerator plant is 400 kilojoule. Number one, determine the heat transfer to the refrigerant and the net heat transfer to the reservoir at 50 degree Celsius. Number two, reconsider one, given that efficiency of the heat engine and COP of the refrigerator are each 45% of their maximum possible value. Okay, तो एक numerical दिया है जिसमें आपको बताया गया है कि एक heat engine है जो operate हो रहा है 700 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के, मतलब जो उसका सोर्स है वो 700 डिग्री सेल्सियस पे है। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 973 केल्विन, और उसका जो सिंक है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे, उसको अगर हमने केल्विन में किया तो होगा 323 केल्विन। और ये जो इंजन है ये एक रेफ्रिजरेटर रन कर रहा है यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर। तो वो जो रेफ्रिजरेटर है वो हीट निकाल रहा है माइनस 25 से और दे रहा है 50 को। ओके, इसको अगर ऐसा देखो, मैं जो पार्ट निकलता हूँ ये क्या है, ये है हीट इंजन जो वर्क कर रहा है 700 डिग्री हो तो इसको केल्विन में 973, और उसका सिंक का टेम्परेचर है 50 डिग्री मतलब 323। ये जो भी वर्क प्रोड्यूस करेगा उसमें से कुछ वो हीट इंजन रेफ्रिजरेटर को देगा। रेफ्रिजरेटर हीट निकल रहा है माइनस 25 से और दे रहा है 50 को, केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये आएगा 248 और ये आएगा 328। एक्चुअल में ये डायग्राम कैसी होनी चाहिए थी, ऐसे ये हीट इंजन, ये 700 का केल्विन में कर दिया 973 और 323, यहाँ से वर्क निकल रहा है जो एक रेफ्रिजरेटर को चलाएगा। रेफ्रिजरेटर माइनस 25 से हीट लेगा डिग्री सेल्सियस से और 50 मतलब 323, ये माइनस 25 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 248 केल्विन आएगा। ओके, ये देखो इसका जो सोर्स है सिंक है, इसका ये सोर्स है, इसीलिए डायग्राम यहाँ पर उल्टी लिखी है। क्लियर? तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या दी है कि ये जो हीट इंजन है ये 2500 किलोजूल हीट ले रहा है और वर्क क्रिएट कर रहा है, और वो जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो रेफ्रिजरेटर को देगा। ओके, तो रेफ्रिजरेटर उससे क्या करेगा, माइनस 25 डिग्री से हीट निकाल कर 50 डिग्री को दे देगा। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइन इंजन रेफ्रिजरेटर, मतलब ये हीट इंजन इतना पावर प्रोड्यूस करता है कि उससे वो रेफ्रिजरेटर की फुलफिल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद भी उसके पास 400 किलो जूल हीट एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा मिलता है। समझ में आ गया? ये जो वर्क दे रहा है हीट इंजन, तो रेफ्रिजरेटर को जितना लग रहा है उतना दे रहा है, और उससे भी मतलब उससे ज़्यादा वो 400 किलो जूल वर्क बच रहा है उसमें का। मतलब अगर इसने जितना भी वर्क प्रोड्यूस किया उसमें कुछ रेफ्रिजरेटर के नीड को जितना चाहिए वो दे दिया, फिर भी उससे 400 वर्क बच रहा है। मतलब अगर मैंने लिखा कि वर्क डेवलप बाय इंजन इज डब्ल्यू ई एंड वर्क रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन इज डब्ल्यू आर, तो ये क्या होगा, वर्क डेवलप बाय इंजन ई इज सो मच दैट डब्ल्यू आर प्लस 400। क्लियर? समझ में आ रहा है? इंजन ने वर्क प्रोड्यूस किया, रेफ्रिजरेटर को जितना चाहिए उतना दिया, फिर भी 400 किलो जूल वर्क बच रहा है। दिस इज नेट वर्क आउटपुट।
क्लियर। अब हमें निकालना है डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें ये Q4 और Q3 निकालना है, कि Q1 दिया है। तो सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो पहले जो गिवन दिया है टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 700 को 973, 50 को 273, -25 को 248, और जो हीट ट्रांसफर दिया है इंजन को वो है 2500 किलो जूल। नेट आउटपुट मतलब इंजन ने जितना प्रोड्यूस किया, कितना प्रोड्यूस किया जितना रेफ्रिजरेटर को लग रहा है और ऊपर 400, तो नेट मतलब WE - WR = 400। मतलब इंजन ने 4000 किलो जूल ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस किया है जितना रेफ्रिजरेटर को ज़रूरत थी। अब हमें अब हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल इंजन की इफ़िशंसी कैसे निकाल सकते हैं हम, आपको मालूम है इंजन की इफ़िशंसी T1 - T2/T1, डिनोमेटर सेपरेट किया तो T1 - T2/T1। ओके, तो देखो यहाँ पर इफिशियंसी कितनी आ गई, 0.668, मतलब 66.8%। ओके, इससे हम कितना वर्क इंजन ने प्रोड्यूस किया वो दे सकते हैं। तो इंजन ने कितना वर्क प्रोड्यूस किया, इफिशियंसी हम इंजन कैसे निकाल सकते हैं, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड तो दिया है 25, और इफिशियंसी हमने अभी भी निकाला, ये कितना है 0.668। तो हम W निकाल सकते हैं क्योंकि ये दिया है। तो W कितना आया हमारा यहाँ पर देखो, 1670 किलो जूल। ओके, अब रेफ्रिजरेटर का COP निकालेंगे। रेफ्रिजरेटर का COP क्या है, जो सबसे कम है वो, मतलब T4/T3 - T4। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें COP मिलेगा 3.306। तो यहाँ से हम Q4 निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे W2 निकाल सकते हैं। W2 मतलब वर्क रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन, मतलब W1 कितना आया है, 1670। ओके, और हमें क्या मालूम है, W1 - W2 400 बराबर, W2 मतलब रेफ्रिजरेशन को जो वर्क लग रहा है। तो ये W1 या हीट इंजन कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जितना रेफ्रिजरेटर को लगेगा उतना, प्लस उससे 400 ज़्यादा। तो इसको हम W1 - W2 400 लिख सकते हैं, ऐसे हम W2 निकाल सकते हैं। W2 अगर निकाला हमने तो बाय यूजिंग दिस COP हम Q भी निकाल सकते हैं। ओके, तो W2 देखो यहाँ पर हम निकालेंगे, ये देखो W1 - W2 400, तो W2 आएगा W1 - W 1670 - 400 1270। तो Q4 हम देखो यहाँ से ये फॉर्मूला लगाया है ये वाला, तो वहाँ से हम COP = Q4/W2, तो Q4 = COP × W2। ओके, तो कहाँ पर था, हाँ ये यहाँ पर, तो यहाँ से हमें Q4 मिला 4198 किलो जूल। अब देखो Q4 हमें मिला, तो हमें आप Q3 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो ये Q4 है ऊपर का और नीचे का Q3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q3 = Q4+W2 बराबर। यहाँ से हीट आ रही है, यहाँ से वर्क आ रहा है, और Q3 रिजेक्ट हो रहा है, मतलब Q4+W = Q3। तो यहाँ से हम Q3 भी निकाल सकते हैं, तो Q3 आया 5468 किलो जूल। क्लियर, और Q2 भी निकाल सकते हैं। Q2 कौन सा, ये वाला, क्योंकि हमें क्या पूछा है, फिर से मैं आपको ये करता हूँ, हमें एक नंबर में पूछा है कि नेट हीट ट्रांसफर टू रिजर्वायर 50 डिग्री। अब 50 डिग्री को देखो, ये रेफ्रिजरेटर Q3 हीट रिजेक्ट कर रहा है और इंजन Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब नेट मतलब टोटल कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है इसको, Q2+Q3। तो Q3 हमने निकाल लिया, Q2 भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हमने W1 निकाल लिया है। तो हम लिख सकते हैं इसको Q1, इतने पार्ट को देखिए, Q1 = W1+Q2। तो हम Q2 को लिख सकते Q1 - W1। क्लियर, तो Q1 हमें दिया है, W1 हमने निकाला है, तो Q2 हम निकाल सकते
2500 माइनस 1670 8300 किलो जूल। ओके, तो नेट हीट रिजेक्टेड टू 50 डिग्री रिजर्वायर मतलब क्यू टू प्लस क्यू थ्री, क्यू टू 830, क्यू क्यू थ्री 5468.6, ये हो गया टोटल इतना। ओके, अब ये हो गया पहले सब क्वेश्चन का कि डिटरमाइन हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर, मतलब क्यू फोर निकालना था और क्यू टू प्लस क्यू थ्री निकालना था। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या पूछा है कि कंसिडर करो ये रिवर्सिबल इंजन और रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। तो और दिया है कि इनकी इफिशेंसी और सीओपी जो है वो 45% है मैक्सिमम के, मतलब इस इंजन की इफिशेंसी कितनी होगी, 45% ऑफ रिवर्सिबल मैक्सिमम मतलब रिवर्सिबल। ओके, और सीओपी ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर विल बी 45% ऑफ मैक्सिमम मतलब रिवर्सिबल का। ओके, तो इसमें हमें सिर्फ जो प्रोसीजर वो सेम है, इसका सिर्फ सीओपी और इफिशेंसी अलग होगा। अब मैक्सिमम इफिशेंसी कितनी आई थी हमारी, जो ऊपर हमने रिजर्वायर पे निकाली थी, रिवर्सिबल साइकिल में निकाली थी, इंजन क्या गई थी 0.668, उसके 45% इफिशेंसी अब इंजन की, तो उसके 45% मतलब उसकी इफिशेंसी हो गई 0.3। ओके, और अब उसका नया उसकी इफिशेंसी कम हो गई तो वर्कडन भी कम होगा, तो उसका नया वर्कडन आपको मिलेगा 750 किलो जूल। और हमें मालूम है कि वो जो जो वन है वर्क डेवलप बाय इंजन, वो रेफ्रिजरेटर से 400 ज़्यादा है, तो रेफ्रिजरेटर का कितना आएगा, 750 माइनस 400 350 किलो जूल। ओके, अब सीओपी एक्चुअल में कितनी है, डी है 45% ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले तो जो रिवर्सिबल की हो, तो मैक्सिमम रिवर्सिबल की थी 3.3, उसके 45% हो गया 1.48, तो अकॉर्डिंगली हमने उसका क्यू थ्री निकाला और क्यू टू निकाला, तो हमें क्यू टू प्लस क्यू थ्री मिला 2618। ओके, ये जो न्यूमेरिकल है एक बार आके गया है 12 मार्क को, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ एक इंजन सीरीज में, तो दूसरे न्यूमेरिकल में क्या दिया है, टू कैरनॉट इंजन्स वर्क्स इन सीरीज बिटवीन सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर ऑफ 550 केल्विन एंड 350 केल्विन। इफ बोथ इंजन्स डेवलप इक्वल पावर डिटरमाइन द इंटरमीडिएट टेम्परेचर। ओके, क्या दिया है कि एक मिनट, दो हीट इंजन है जो सीरीज में लगाए हुए हैं, वो का वर्क कर रहे हैं 550 केल्विन और 350 केल्विन में। क्लियर, तो पहला इंजन, ये जो पहला इंजन है वो 550 से हीट लेगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा, उसकी हीट रिजेक्ट करेगा, उसने जो हीट रिजेक्ट की है वो दूसरे इंजन को जाएगी, मतलब ये जो क्यू टू है इट इज़ नथिंग बट हीट सप्लाइड फॉर सेकेंड इंजन, तो वो उसमें से वर्क प्रोड्यूस करेगा और बची हुई 350 केल्विन को रिजेक्ट कर देगा। ओके, तो अब इसमें क्या दिया है, ये दोनों भी इंजन सेम पावर डेवलप करते हैं, मतलब दोनों इंजन का आउटपुट सेम आएगा, ये आपको दिया है। ओके, तो अब हम देखेंगे, ये मैंने डायग्राम निकाली सीरीज में की, अब हमें क्या निकालना है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर। ओके, अब देखो पहले इंजन की इफिशियंसी रिवर्सिबल कंसिडर करो, पहले इंजन की इफिशियंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, बड़ा करके लिखता हूँ, इफिशियंसी इज डब्ल्यू अपॉन क्यू वन, डब्ल्यू दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों भी सेम पावर डेवलप कर रहे हैं ऐसा लिखा है, इसको हम दूसरे इसमें से लिख सकते हैं टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। ओके, या डब्ल्यू और क्यू वन को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस क्यू टू, क्यू वन को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस क्यू टू। ओके, देखो यहाँ पर लिखा है, सिमिलरली सेकंड इंजन की इफिशियंसी देखो डब्ल्यू अपॉन उसकी हीट सप्लाई अब क्यू टू है, इसीलिए यहाँ पर क्यू टू है। ओके, तो क्यू टू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टू को क्यू थ्री प्लस डब्ल्यू, क्यू थ्री प्लस डब्ल्यू, दोनों की इफिशियंसी सेम है ऐसा नहीं दिया है, दोनों के वर्क आउटपुट सेम है ऐसा दिया है। क्लियर, तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, मतलब ये इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं कि
T1 माइनस T2 अपॉन T1 ये वाला पार्ट इक्वल्स टू W अपॉन Q2 प्लस W। ओके, तो ये W इस साइड में रखेंगे और ये इधर भेज दिया तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला। ओके, ये Q2 प्लस W इस साइड में गया इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब देखो ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, Q से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और W से भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और इधर भेज दिया तो हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये Q2 वो ब्रैकेट प्लस W इंटू वो ब्रैकेट इक्वल्स टू W। अब ये इस साइड में गया तो W माइनस W और वो ब्रैकेट इक्वल्स टू Q इंटू वो ब्रैकेट, Q2 इंटू वो ब्रैकेट। इसमें से हम W कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या है, समझ में आ गया। तो देखो W इंटू ये ब्रैकेट इस साइड में भेज दिया, उसमें से W निकाल लिया तो 1 माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपॉन T1 और Q2 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, T1 माइनस T1 प्लस T2 अपॉन T1, T1 T1 कैंसिल, T2 बाय T1। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, T2 बाय T1 इंटू W और इधर एज इट इज़। ओके क्लियर, तो हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू ये Q2 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1। क्लियर, क्योंकि ये T1 T1 कैंसिल हो गया डिनोमेटर डिनोमेटर का दोनों का, और ये T2 जब इधर आएगा तो डिनोमेटर में आएगा, तो T1 माइनस T2 अपॉन T2। सिमिलरली हमने अगर इस इंजन के लिए ऐसा किया तो हमें मिलेगा W इक्वल्स टू Q2 T2 माइनस T3 अपॉन T2। ओके, अब दोनों भी W सेम है, W इक्वल्स W, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये Q2 Q2 कैंसिल हो जाएगा, T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 अपॉन T2 और T2 माइनस T3 अपॉन T2, T2 T2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा ये वाला T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3। इसको अगर हमने मैनिपुलेट किया, T2 T को एक जगह पर लिया, T3 इधर भेज दिया तो ये बनेगा, ये T2 इधर आ गया और ये T3 इधर आ गया, तो ये क्या बनेगा 2T2 प्लस T1 प्लस T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T3। तो T1 T3 की वैल्यू पुट कर दिया हमने तो हमें T मिलेगा 450। मतलब ऑलवेज याद रखो, अगर ये हमें क्या बताता है, ये वाला, इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, T T2 इक्वल्स टू T1 प्लस T3। ओके, मतलब T2 इक्वल्स टू T1 प्लस T3 अपॉन ये 2। ओके, मतलब ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या है, ये सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का एवरेज बराबर। इसको अगर गौर करो, T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T3 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, मतलब दो टेम्परेचर का अगर आप एवरेज लोगे तो आपको T2 मिलेगा। इन शॉर्ट, कब, जब वो सेम वर्क आउटपुट कर रहे, तो क्लियर, जब उनका वर्क आउटपुट सेम है तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना रहेगा, इन दोनों का एवरेज 550 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, तो और अगर इनकी इफिशियंसी, अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप इनके ऐसा कंसीडर करो कि इनका वर्क अलग है, ये W1 और ये W2, लेकिन इनकी इफिशियंसी सेम है, मतलब N1 इफिशियंसी ऑफ फर्स्ट इंजन इक्वल्स टू इफिशियंसी ऑफ सेकंड इंजन, तब उस केस में आपको क्या मिलेगा, आप कैलकुलेट करके देखो, आपको ऐसा मिलेगा टी जो मिलेगा, ठीक है, वो आपका असाइनमेंट, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके दो न्यूमेरिकल लिए हैं, इसके और प्रैक्टिस करें ऐसे न्यूमेरिकल की, ये आपको हमेशा 12 से 14 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये पिछला पार्ट में भूल गया था, तो इसके और प्रैक्टिस करें, और आपको कुछ जो भी डाउट रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।